Hi, guys, good evening, everyone. Today, I want to talk about note making. Note making, mein hamesha hi. I talk about it every year, and every year I come out with something new and something better. When it comes to note making, the major problem that we as students face is that we have not had any training about making notes in any other format. Nobody even taught us how to make notes. Then how can we actually learn how to make notes in a different way when it comes to competitive government examinations? So it's an intense preparation. How do you optimize your note making skills? Because at the end of the day, it's not about how much you read, but it's more about how you apply whatever you have read in your examination. And the best way of doing that is to revise properly. And how can it be done? Only through proper notes. यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर मेथडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग नोट्स विच इज मोर साइंटिफिक इन नेचर ओनली देन यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आई विल शो यू द काइंड ऑफ नोट्स दैट आई मेक आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू कि खाली ऑनलाइन ही नोट्स बनाओ या खाली ऑफलाइन ही नोट्स बनाओ या क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्कशन अ मेजर पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज हाउ टू ऑप्टिमाइज योर नोट मेकिंग बाय अंडरस्टैंडिंग

तो ये हो गए मेरे ऑफलाइन नोट्स नाउ यू वुड फील कि सर ये तो आईपैड पे बनाए हुए हैं या किसी पेन टैबलेट पे बनाए हुए हैं यस बट एट दी एंड आई एम राइटिंग सो आई एम अज्यूमिंग कि ये ऑफलाइन नोट्स की तरह ही हैं यू एज अ स्टूडेंट कैन ऑल्सो मेक समथिंग लाइक दिस ऑन पेपर सो आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग द नबार्ड एनुअल रिपोर्ट फॉर यू दिस इज स्टिल नॉट फाइनली ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है बट आई थॉट आई शेयर इट विद यू एंड शो यू कि किस तरह से ऑफलाइन या पेपर वाले नोट्स आप बना सकते हो और कब वो बनाने हैं वो भी डिस्कस करेंगे तो ये हो गया एक छोटा सा यू नो सैम्पल थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि देखो ऑफलाइन या फिर पेपर नोट्स पेपर नोट्स इज अ बेटर टर्म पेपर नोट्स हम किस तरह से और कब बनाने चाहिए तो यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव द नबार्ड एनुअल रिपोर्ट विद मी आई ऑलरेडी हैव अ समरी ऑफ दैट दोज नोट्स विद मी और वो समरी मुझे मनीष सर ने बना के दी थी लाइक सर ये तीस पेज की समरी है इससे आपको नबार्ड एनुअल रिपोर्ट पढ़ानी है के वेल लेट्स गेट इट इट डन बट आई 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 रीडिंग थ्रू रियलाइज दैट इफ जस्ट पी डी एफ एंड टीच यू थ्रू दैट पी डी एफ इट विल बी यूजलेस यू विल रिमेंबर हार्डली टेन परसेंट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट बाकी सब आपके ऊपर से जाएगा रजिस्टर ही नहीं होगा सो द दर्पज ऑफ टीचिंग द एनुअल रिपोर्ट थ्रू दैट पी डी एफ वुड बी डिफीटेड वाई नॉट क्रिएट अ पी पी डी एंड टीच यू बट मुझे ऐसा लगा कि जब अगर मुझे Uh, वो क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए इफ आई वॉन्ट टू हैव दैट देन आई वॉन्ट टू मेक नोट्स ऑन पेपर फॉर समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट विच हैज ऑफ़ स्टफ गोइंग ऑन इन इट बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं ढाई सौ तीन सौ पेज की रिपोर्ट है जिसको ऑलरेडी तीस पैंतीस पेज में कंप्रेस कर दिया गया सो आई थॉट वाई नॉट मेक समथिंग ऑन पेपर सो दैट माई क्लैरिटी इज मच मोर एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वेन यू मेक नोट्स ऑन पेपर देन योर ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू

तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है विच मीन्स दैट यू कैन नॉट डू इट फॉर समथिंग दैट यू रिसीव एवरी डे विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर लेटर अगर आप करेंट अफेयर्स के नोट्स बनाने लगोगे ना ऐसे यू विल मेस अप योर लाइफ बिकॉज यू हैव टू डू दिस एवरी डे फॉर करंट अफेयर्स नोट्स एंड इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल पेपर पर ऐसे नोट्स बनाना डेली बेसिस पे इतनी इंटेंसिटी से आपको सिलेबस भी कवर करना है बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है दिस इज नॉट गोइन टू भी पॉसिबल तो ये मैंने बना तो लिया बट फॉर मी इट वॉज अ स्मॉल प्रोजेक्ट एज अ स्टूडेंट एज वेल एज एज अ टीचर बिकॉज आई न्यू की एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार आती है आई नो दैट सम क्वेश्चन विलकम फ्रॉम दिस इन दिन नबार्ड एग्जामिनेशन सो वाई नॉट स्पेंड अबाउट फोर फाइव आवर्स एंड क्रिएट गुड नोट आउट समरीव्ड फ्रॉम मनी सर और उसके थ्रू मैं पढ़ाऊँ जिससे कि आपकी रजिस्ट्री भी अच्छी हो मेरी क्लैरिटी भी अच्छी हो तो so जब आप यू एज अ स्टूडेंट ट्राई टू लर्न समथिंग

On one piece of paper. And that is what you need when you're making notes on paper. You want to compress it to the extent that you have limited papers but maximum information and argumentation. Whatever is the purpose of that note. I hope this is clear. So, this is one way in which I create notes for my own understanding as well as for my teaching. And as a student, also, if you want to have that crystal clarity in something which is very complex, then note making like this. ऑन पेपर विल बी यूजफुल ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप हमारा होता है अब ऑनलाइन नोट मेकिंग यहाँ पे मैं देखो सारे जितने भी नोट्स बनते हैं हमारे जो मैं बना रहा हूँ कर्णिमा मैम बना रही हैं मनीष सर बना रहे हैं शुभम सर बना रहे हैं ऑल दीज नोट्स आर मेड ऑनलाइन बिकॉज वी कैन वर्चुअली नॉट मेक ऑल दीज नोट्स ऑफलाइन ऑन पेपर आपके साथ शेयर करेंगे आपको आधी चीज समझ नहीं आएगी तो ऑल दीज नोट्स आर मेड ऑनलाइन विद अ प्रॉपर टेबल ऑफ कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग और बिलीव मी इफ यू वॉन्ट टू इनकलकेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जैसे कि यहाँ पे पूरा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डाल दिया है यहाँ पे कैमल्स फ्रेमवर्क को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है विद अ चार्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द साइड नाउ फॉर यू यू माइट से दैट सर इट्स योर जॉब दिस इज वॉट यू डू एज अ टीचर यू ट्राई टू क्रिएट नोट्स इन दिस फॉर्मेट दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बट फॉर यू एज अ स्टूडेंट ऑल्सो वैन यू आर प्रिपेयरिंग इफ यूर एबल टू ऑर्गेनाइज योर नोट्स योर ओन नोट्स ऑनलाइन

आप आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ नोट्स कैन आई मेक ऑनलाइन एंड व्हाट काइंड ऑफ नोट्स कैन आई मेक ऑफलाइन जो भी नोट्स आपको लगता है कि आपको समराइज करने की जरूरत है यू कैन नॉट रीड फ्रॉम दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिकॉज इट्स टू लॉन्ग प्लस समराइज करने की जरूरत है प्लस इट इज डायनेमिक इन नेचर यू गो फॉर समथिंग ऑनलाइन इफ देर इज अ नोट विच इज वेरी लॉन्ग यू वॉन्ट टू समराइज इट प्लस उसको उसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं देन यू कैन गो फॉर समथिंग ऑफलाइन कोई ऐसा नोट है जो कि आपको लगता है डेली आता है करंट अफेयर्स आई रिसीव डेली नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू मेक एनी नोट्स यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग दोज नोट्स इथ जो हम लोग एफर्ट लगा के आपको बना के दे रहे हैं आपको वही नोट्स यूज करने हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर स्टडी और अल्टीमेटली वॉट इज द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन आपको रिजल्ट निकाल के लाना है है ना पी नहीं करनी है पी एग्जाम क्लियर करने की बात कर लेना अगर मन करे तो आर बी आई नबार्ड दीज ऑर्गेनाइजेशन गिव यू इनफ अपॉर्चुनिटी

ओके okay, वंडरफुल ठीक है तो मैंने यहाँ पे पांच मेजर डिविजन्स क्रिएट किए हैं टू विच आई विल बी एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के नोट्स हमें बनाने हैं और किस टाइप के नोट्स हमें नहीं बनाने हैं ठीक है एक एक करके उठाते हैं सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग ऑफ स्टूडेंट्स यू विल बी यूजिंग सम ऑदी अदर कोर्स चाहे वो मेरा कोर्स हो कोई भी हो एंड यू वुड बी गेटिंग पी डी अगर प्रॉपर पी नहीं मिल रही हैं मतलब कोर्स खराब है कोर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अगर वो आपको पीपीटीज़ देके बोल रहे हैं दिस इज द नोट दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट यू शुड बी रीडिंग मेकिंग सम कॉम्प्रीहेंसिव पी डी एफ विच कैन रीप्लेस द बुक्स दैट यू वुड नीड अदरवाइज देन यू शुड बी शुड यू बी मेकिंग नोट्स और नॉट जो कोर्स पी होती हैं दे आर ऑलरेडी समराइज बाई मी बहुत सारे एफर्ट्स जहाँ से भी पढ़ोगे वो लोग लगाते हैं उसको समराइज करने में टू मेक इट वर्थ वाइल फॉर यू टू रीड उसको और कम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है नो नीड टू कम्प्रेस इट वॉट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग नोट ऑफ मेकिंग सम काइंड ऑफ नोट्स ऑन पेपर और नोट्स ऑनलाइन टू कम्प्रेस अब इसको फर्दर कम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी कम्प्रेस्ड अट टाइम शॉर्ट नोट्सो इवन हम लोग भी शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं अभी जब भी जो भी लाइव क्लासेस चल रही है तो इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते यूल इट फर्दर और इफ यू ट्राई टू कम्प्रेस द शॉर्ट नोट फर्दर तो जब आपको यहाँ पे कंप्रेशन की भी जरूरत नहीं है इन पी को और सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर ऑफ द बुक्स दैट यू वुड रीड अदरवाइज तो इसलिए यहाँ पे नोट्स बनाने की अलग से फ्रॉम के जरूरत नहीं होती है यू ट्राई एंड ऑप्टिमाइज योर टाइम बाय मार्किंग हाईलाइटिंग ऑन दीज सेम पी डी एफ्स ओनली फिर रादर देन उसके नोट्स बनाओ ज़्यादा यह है उसको प्रिंट कर लो प्रिंट करके उसमें हाईलाइट कर लो एक पेज खाली रखो यू कैन राइट यू वॉन्ट टू राइट देन इन नोट्स फ्रॉम स्क्रैच नॉट दैट तो ये हो गया न्यूज पेपर नाउ दिस इज ऑलवेज बिग कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स कि भाई नोट्स बनाने हैं न्यूज पेपर के नहीं अब इसमें रियालिटी क्या है रियालिटी बता देता हूँ मैं आपको देखो यहां पर अगर मैं खाली फेज़ वन और फेज टू की बात करूं फेज वन में आपको स्पॉटलाइट मिलती है विच इज़ अ ब्रीफ ऑफ द न्यूज़ पेपर फेज टू में आपको पी आई बी टू फोर सेवन मिलती है विच इज अगेन अ ब्रीफ ऑफ द न्यूज पेपर ऑफ़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और उसके साथ साथ आर बी आई टू फोर सेवन मिलती है विच इज़ अगेन अ ब्रीफ ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़ पेपर एंड आर बी आई वेबसाइट अब भाई तीन लोग बैठ के थ्री पीपल टेन आवर्स अ डे that means 30 hours every day they are spending just on this can you do this workout by yourself 24 ghante pure din mein hote hain aap 30 ghante ka kaam aapko daily mil raha hai and then you feel or you tumhe lagta hai you assume ki main 2 ghante mein kar lunga 30 ghante ka not possible na it's virtually not possible तो humanly ये चीज possible नहीं है तो इसको जबरदस्ती क्यों compress करना चाह रहे हो Number one. Secondly ये न्यूज़पेपर का काम हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके आपको दिया है आप सोचते हो मैं इतना uh, तीस मार्क हूँ आई विल बी एबल टू डू इट ऑन माई ओन यूजिंग वन न्यूज पेपर और टू न्यूज पेपर यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम गॉन आर दो डेज वेन वी यूज टू मेक नोट्स यूजिंग द न्यूज़ पेपर वो आज से दस साल बारह साल पहले हुआ करता था वेन दीज वर नॉट अवेलेबल बट नाउ इज नॉट दैट टाइम नाउ वी आर हैविंग थ्री पीपल डेडिकेटेड फॉर यू हुर डूइंग जस्ट दिस उनका काम ही भाई ये है वो और कुछ कर ही नहीं रहे पूरे दिन बैठ के दस घंटे वो यही कर रहे हैं वेन दे आर डूइंग दिस टेन आवर्स एवरी डे देन हाउ कैन यू डू द सेम यूजिंग द न्यूज पेपर सो इट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू डिसाइड टू डू इट इन स्टेट आपको करना क्या चाहिए इनको या तो ऑनलाइन ही पढ़ना शुरू करो आईपैड वगैरह से या फिर प्रिंट निकाल के उनको मंथली के मंथली पढ़ लिया करो एंड एवर यू वॉन्ट हाईलाइट अगेन यू कैन हाईलाइट यू कैन मार्क यू कैन राइट वेवर यू वॉन्ट दैट वुड बी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर एनर्जी आप बोलोगे सर ये हर महीने आती है छह महीने की ना बहुत मोटी हो जाती है इट्स लाइक थाउजेंड पेजेस तीनों कंबाइन कर देंगे पंद्रह सौ पेज बन जाएंगे इट्स बेटर देन स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन ट्राइंग टू मेक नोट्स एंड देन मेसिंग अप दैट टाइम इट्स एक्चुअली सिंपलर टू रीड दोफ्टीन हंड्रेड पेजेस नोट्स अगेन एंड अगेन देन टू ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड देन मैस इट अप उसमें ज्यादा समझ आएगा ये पंद्रह सौ पेज को रिवाइज करने में कम समय जाएगा बिलीव मी दैट इज द रियालिटी ये हो गया सेकेंड टाइप आई होप इट इज क्लियर आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं है थर्ड पे आ जाते हैं और कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंटेंट होता है जिसमें आपको नोट्स बनाने की खुजली होती है टॉपिक वाइज ब्रीफ पॉइंटर्स जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो यूर रीडिंग इट फ्रॉम द कोर्स यूर रीडिंग इट ऑन इन न्यूज़पेपर्स पेपर्स यूर रीडिंग इट फ्रॉम स्पॉटलाइट मैगजीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो टाइम्स यू रीड थिंग्स टॉपिक वाइज जैसे मैंने अभी डॉक्यूमेंट दिखाया था दैट वॉज फॉर अबार्ड एनवल रिपोर्ट ऐसे ही दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाया था दट वॉज फॉर रेगुलेटरी बॉडीज फाइनेंस का पार्ट है फॉर अर्बी एग्जाम ओके okay. तो so, वो एक टॉपिक हैीफ नोट्स ऑनलाइन विच आर ओनली पॉइंटर्स यू आर कीपिंग टू सेट्स ऑफ नोटर वन इज अ नोट दैट मेड योर सेल्फ एंड सेकेंड इज द नोट दैट आई है एंड योर मार्किंग साइमल्टेनियसली हाईलाइटिंग इट वट एवर यू वॉन्ट टू राइड योर राइटिंग इट बट उसमें से आपने एक पॉइंट निकाल लिया यार दिस इज द मेजर पॉइंट लेट मी जस्ट राइट इट समवेयर ऑनलाइन नॉट ऑफलाइन लेट्स मेक इट ऑनलाइन बिकॉज वहां पर आप नोट्स तो एक्सपेंड कर सकते हो कंप्रेस कर सकते हो इन वन पेज यू कैन राइट मेनी मोर पॉइंट देन यू कुट ऑफलाइन उसको फिर बाद में यू कैन प्रिंट दैट एंड कीप रिवाइजिंग दैट ओके इसका भी मैं डॉक्यूमेंट कुछ टाइम बाद आपको दिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स अलग हो गए दिस इज शॉर्ट नोट्स का भी शॉर्टर वर्जन दैट ओनली यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ मैं आपको बना के दूंगा आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा बिलीव मी सो दिस इज लाइक अ वेरी ब्रीफ नोट ऑनलाइन मेकिंग वेयर यू जस्ट राइट द मेन पॉइंट और कुछ नहीं लिखते यू जस्ट राइट दैट मेन पॉइंट कि भाई यार इस पूरे पैराग्राफ में जो है आधे पेज का इसमें इस, इस पॉइंट की बात हुई है बस ये लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है द इज गोइंग डाउन है ना वन मेजर रीजन इज दे डिड नॉट ड्रॉप देयर इंटरेस्ट रेट्स

जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ जब भी मैं कुछ सोचता हूँ आई जस्ट ट्राई एंड मेक सम नोट्स आउट हेयर मैंने एक पतली सी नोटबुक ली हुई है वो दस पंद्रह दिन में खत्म हो जाती है आई गेट अ न्यू वन आई डोंट लाइक टू कीप वेरी हैवी नोट बुक्स तो नाउ दिस इज द फोर्थ वन इज ओनली फॉर रफ वर्क दिस इज नॉट फॉर एनी रिकॉर्ड इसका मैं कोई रिकॉर्ड नहीं रखूंगा जैसे ही खत्म हो जाएगी इसको फेंक दूंगा मैम नॉट गोइंग टू ट्राई एंड कीप इट प्रिजर्व नहीं करने की कोशिश करूंगा दिस इज जस्ट रफ नोट मेकिंग वाइल्ड रीडिंग रफ नोट मेकिंग वाइल्ड रीडिंग the entire purpose एंटायर this ऑफ entire purpose is when यू राइट समथिंग then the chances ऑफ यू remembering इट आर हायर तो आपने एक ब्रीफ पॉइंट उसमें से निकाला जो भी पढ़ा है और उसको यहाँ पे रफ नोट में लिख लिया और आपको लगता है कि आई शुड बी मेकिंग नोट्स इट कैन गो समेर इन माई ऑनलाइन नोट्स तो वहाँ पर लिखना शुरू कर दो ठीक है वहाँ पे लिखोगे तो यूर क्रिएटिंग अ पॉजिटरी दैट यू कैन यूज लेटर यहाँ पे आपका बस मेमरी इम्प्रूव करने के लिए वैन यू राइट समथिंग देर आ चांसेज हायर चांसेज देट योर सेंडिंग इट टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द मेमरी एंड ऑटोमैटिकली योर रिकॉलिंग वुड बी बेटर फॉर दैट तो ये मैं करता हूँ एंड इट हेल्प टू सर्टन एक्सटेंट बिकॉज समथिंग डाउन आप डे के एंड में उसको रिविजिट कर सकते हो बट नॉट आफ्टर टेन डेज बिकॉज यू नो इट वुड बी लॉस्ट तो जो भी आपको लगता है कि आई डोंट माइंड लूजिंग इट यू राइट इट ऑन पेपर इन फर्स्ट इंस्टेंस एज वेल न्यूजपेपर पढ़ रहे हो कोई एक पॉइंट समझ आया अच्छा लगा यू नो दैट द सेम थिंग विल बी मैंशन एंड एक्सप्लेन इन पी आई बी टू फोर सेवन और आर बी आई टू फोर सेवन और स्पॉटलाइट डोंट हैव टू राइट इट डाउन बस रफ नोटबुक में लिख लिया जिससे कि रिकॉलिंग बेटर हो या फिर हमको नोट बनाने होते हैं okay. जब हम आंसर राइटिंग करने की तो सबसे बड़ा एक तो कंफ्यूजन होता है हम लोग सोचते हैं नोट नहीं बनाएंगे तो टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आंसर राइटिंग नहीं होगी इन

फिर उसके बाद उसको एनालाइज करके उसको छोड़ दो नाउ दिस प्रैक्टिस नंबर वन शुड बी डन ऑनलाइन स्पेशली फॉर यू गाइज बिकॉज जो पेपर इज गोइंग टू बी ऑनलाइन यू आर नॉट गोइंग टू राइट ऑन पेपर आप एक्चुअली टाइप करोगे एग्जाम में जाके नंबर वन एंड सेकेंडली जब आप पेपर पे लिखते हो तो ज्यादा एनर्जी लगती है जब आप ऑनलाइन लिखते हो तो शुरू में ज्यादा एनर्जी लगेगी बट आफ्टर अ पॉइंट ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइट इट टाइप इट ऑन की बोर्ड इज एक्चुअली लेसर वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो कुछ सही समझ आया डिलीट कर सकते हो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट सो योर माइंड गेट्स इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग राइटिंग इन अ सर्टन वे तो आंसर राइटिंग इज वन एरिया दैट यू हैव टू डू स्पेसिफिकली ऑनलाइन दैट यू कैन नॉट मिक्स विद नोट मेकिंग एंड फील यार मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ गई मैंने नोट्स बना लिए भाई आपने गलत टाइप के नोट्स बनाए हैं तो उस टाइपिंग स्पीड का कोई फायदा नहीं है बिकॉज टाइपिंग स्की स्पीड का ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग आपने आंसर राइटिंग तो इम्प्रूव करी नहीं बस टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर ली उसका कोई पॉइंट नहीं सो वाई नॉट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करो साथ में उसी से टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करो डोंट ट्राई टू आइसोलेट देम एंड फील की आंसर राइटिंग अलग से कर लूंगा अभी खाली नोट्स बना लेता हूँ टाइपिंग स्पीड के लिए दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क बिकॉज फिर आप आंसर राइटिंग करोगे ही नहीं फिर बस टाइपिंग स्पीड ही करते रह जाओगे सो दीज आर द फाइव मेजर क्लासिफिकेशन जो मैंने क्रिएट किए काइंड ऑफ नोट्स दैट यू वुड वॉन्ट टू मेक वैन यू आर रीडिंग समथिंग यही टाइप के नोट्स आप बनाना चाहोगे जब भी आप पढ़ रहे होगे और वेन दैट अर्ज ऑफ मेकिंग नोट्स इन वन ऑफ ऑनलाइन और ये भाई पे लाई करता है जहां पे भी लाई करेगा बेस्ड अपॉन दैट यू गो फॉरवर्ड इट फॉरवर्ड विद इट या तो उसको ऑनलाइन बनाओगे या पेपर बेस्ड बनाओगे बेस्ड अपॉन दी आइडिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ठीक है तो ये थे हमारे पांच मेजर पॉइंट्स एंड द नोट हैव ऑलरेडी शोन यू मैं ऑनलाइन भी बनाता हूँ पेपर पे भी बनाता हूँ बट देर इज अ डिफरेंट पर्पज ऑफ एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ नोट यू ऑल्सो हैव टू कीप दैट इन माइंड जब आप दिमाग में रखोगे ऑटोमेटिकली यू वुड रियलाइज कि यार मैं ऑप्टिमाइज कर पा रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन को आई वॉन्ट टू क्लियर दी एग्जामिनेशन बिकॉज आई आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद इट साइंटिफिकली मैं ऐसा नहीं कि uh, जंगली जानवर की तरह आई एम जस्ट गोइंग एवर आई एम स्मेलिंग समथिंग आई एम साइंटिफिकली ट्राइंग टू हंट और यू नो माई मीट एंड देट इज़ वॉट यू शुड बी डूइंग ठीक है इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू मी बाय कॉमेंट्स इन दिस वीडियो कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट है यहाँ पर पूछ सकते हो आई विल मोर देन हैप्पी टू ट्राई एन आंसर योर क्वेरीज आई एल सी यू वेरी सुन विद मोस्ट सच वीडियोज यहाँ पे ऐसे डाउट्स जो बार बार क्रॉप अप होते हैं एंड ऑफ टॉकिंग विद स्टूडेंट्स आई विल ट्राई एन आंसर देम फॉर यू जिससे कि वो डाउट्स क्लियर हों और आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा साइंटिफिक बना पाओ ठीक okay? है ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय जय हिंद